फर्जी भौकाल, मोदी जी का फर्जी भौकाल दुनिया के सामने आ गया है। कनाडा के साथ रिश्ते पूरी तरह से अब तक जितने कभी ख़राब नहीं हुए उतने ख़राब हो चुके हैं। हत्ता कि आपको इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ही आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि दोनों देशों ने, भारत ने और कनाडा ने, अपने अपने जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनको निकालना शुरू कर दिया है एक दूसरे के देश से, ये कहकर कि खतरा है इनकी जान को, धमकियाँ मिल रही हैं। तो 56 इंच के राज में ये पूरा विश्व गुरु जो बन गया है, आप देखिए कि कितना बुरा हाल भारत की विदेश नीति का सामने आया है। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से सीधा सीधा कह दिया गया है कि जो है, जो कनाडा है वो हमें सहयोग नहीं करता। साथ में भाई साहब कई सारी बातें हैं, इंतज़ार कीजिए इंटरनेशनल प्राइम टाइम का, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन यहाँ भौकाल आपको देखना है कि जो आण भक्त सारा दिन चीखते हैं, आएगा तो मोदी, और मोदी ने पूरे देश का ये कर दिया है, विकास कर दिया है, और विकास नहीं विनाश हो गया है असल में। चाइना के साथ रिश्ते ख़राब, ईरान के साथ रिश्ते ख़राब, रूस के साथ हमारे ख़राब होने वाले हैं, अमेरिका से सख्त लहजे में बात होती रहती है, मतलब नेपाल, नेपाल के हमारे रिश्ते ख़राब, भूटान के साथ हमारा मामला सही नहीं, आस पड़ोस में जिनके साथ हमारे रिश्ते पहले ठीक थे सब बिगड़ चुके हैं, और जिनके साथ बिगड़े हुए थे वो बिल्कुल जंग के मुहाने पर आए हुए हैं, ये सच्चाई है। हाँ, मोदी के आने से, भाजपा के सरकार में आने से हुआ यह है कि पूरी दुनिया के बहुसंख्यक समाज के, जहाँ भी भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग रह रहे हैं, वो जाके हिंसक हो गए हैं। वो अचानक से यहीं बैठे बैठे वाईफाई के ज़रिए उनके अंदर इतना नफरत और जहर बो दिया मोदी सरकार ने कि वो हिंसक हो चुके हैं। अब इस वजह से हर जगह बहुसंख्यक समाज किसी भी देश में रह रहे हैं, वहाँ की खबरें आ रही हैं, वहाँ का देश, वो मुल्क बदनाम हो रहा है। बर्तानिया का ये वीडियो सामने आया है, गणेश चतुर्थी पूरे देश भर में, भारत में किस तरह से मनाया जाता है आप जानते हैं। सबसे बड़ा जुलूस निकाला जाता है, नाचा जाता है, गाना गाया जाता है, ढोल बजता है, और पूरा आधा देश जो है सड़कों पर होता है, पूरी तरह से ट्रैफिक जैम, ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन भारत इतना खूबसूरत देश है कि यहाँ सब एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। लेकिन बर्तानिया ऐसा नहीं है भाई साहब, बर्तानिया में बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू समाज के लोग, इनके झंडे तो आप भगवाधारी झंडे देख ही रहे हैं, इन्होंने सोचा कि ये भी इंडिया है, और मोदी आ गए हैं तो मोदी भारत के साथ साथ बर्तानिया के भी प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ जो मर्जी करना है करो। इन्होंने गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम के दौरान पंडाल सड़क पर ही लगाना शुरू कर दिया, बल्कि लगा ही दिया, जिसके बाद बर्तानिया की पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक हिंदू व्यक्ति को वहां गिरफ्तार कर लिया, जिसका जमकर वहां के हिंदू जो लोग थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन दुनिया के सामने खबर आ गई। आलोचना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हिंदू भाइयों की ही हो रही है, बहुसंख्यक समाज की, क्योंकि वो इंडिया नहीं है कि आप रोड जाम कर दो। कमाल की बात यह है, भारत की सड़क के किसी भी कोने में अगर दो बंदे मुसलमान नमाज पढ़ लें तो इनकी आत्मा जो है तड़प जाती है, और आप बर्तानिया दूसरे देश में जाकर चाह रहे हो कि रोड जाम करके, तंबू लगाकर आप गणेश चतुर्थी करोगे, तो भाई वो ब्रिटेन है, इंडिया नहीं, कि वहाँ की सरकार तुम्हारा साथ देगी। सुनिए, Wait, he's acting like a bad man.
हमारे ऐसी ही हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में, खास समुदाय की वजह से पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही है, और ये लोग शोर मचाते हैं कि मोदी का भौकाल है सारी दुनिया में। अजी फर्जी भौकाल है, वरना कनाडा के साथ इतने रिश्ते हमारे ख़राब आज ना होते। इतने ख़राब हो गए कि भारत ने वीज़ा देना बंद कर दिया है कैनेडियंस को, समझ रहे हैं आप। बस इंतज़ार कीजिए इंटरनेशनल प्राइम टाइम का, उसमें सारी गोटी खोली हुई है मैंने। अब सुनिए, राम मंदिर को उड़ाने की अचानक से धमकी मिली। 112 पे कॉल करके एक व्यक्ति ने कहा कि राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा 21 या 22 तारीख को। इसके बाद होना क्या था, पुलिस शांत बैठेगी? अगर मस्जिद उड़ाने की बात होती तो कोई बात नहीं था, उस पर बाबा जी की पुलिस शांत रहती, लेकिन यहाँ तो खेल दूसरा हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर को उड़ाने की बात कर दी, उसका तो भाई साहब मोदी जी को उद्घाटन करना है, तो ऐसे कैसे। पुलिस अचानक से फॉर्म में आई, फॉर्म में आने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर करिश्मा दिखाया और 14 साल के एक हिंदू लड़के को, 14 साल के, बताइए उम्र देखिए और क्राइम देखिए, 14 साल के एक हिंदू लड़के को हिरासत में लिया। हिंदू किशोर लखनऊ कंट्रोल रूम 112 पर फोन करके धमकी देता है कि बम से उड़ा देंगे राम मंदिर को। किशोर ने कॉल करके कहा था कि 21 सितंबर को राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाएगा। उसने ये धमकी देना और स्टाइल मारना यूट्यूब में एक वेब सीरीज देखकर सीखा था। इसके बाद दोस्तों पुलिस ने बरेली के इटोरिया निवासी गिरीश के 14 साल के बच्चे को हिरासत में लिया है। गिरीश कोई मुसलमान तो हो नहीं सकता, तो गिरीश का 14 साल का लड़का राम मंदिर उड़ाने की धमकी दे रहा था। तो यही हकीकत है, पिछले कई हफ्तों में ऐसी खबरें आ रही हैं कि खुद अपने ही भगवान को गाली लिखते हैं सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान के अकाउंट से और दंगे भड़का देते हैं। महाराष्ट्र के सतारा में ऐसा ही हुआ, वो बता चुका हूँ मैं आपको। तो आज खुद अपने भगवान को गाली देने वाले अपने मंदिरों पर हमला करके मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाकर दंगा करने के लिए जो उतावले हैं वो एक ख़ास और विशेष समुदाय के लोग हैं। 14 साल का लड़का राम मंदिर उड़ाने की बात कर रहा है तो वो किसके साथ रह रहा होगा, वो किसके साथ उठ बैठ रहा होगा और उसको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा होगा, ये सब आज समझ में आ रहा है। पूरे बीजेपी पार्टी की एक बंदे ने सही से लंका लगा रखी है, स्टालिन नाम है उसका। अब उस बंदे ने एक बार फिर से बिना डरे बड़ा बयान दिया और बात बिल्कुल हकीकत है। सोचिए, नए संसद के उद्घाटन में हमारी देश की राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, तो उस पर उन्होंने बयान दिया कि नई संसद में बॉलीवुड हीरोइनों को बुलाया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी और विधवा हैं, इसी को हम सनातन धर्म कहते हैं। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से बीजेपी पार्टी एक बार फिर से पगला गई है, बौखला गई। उधर नफरत में डूबे एक नेता हैं, सीएम साहब हैं हेमंत बिस्वा, जिनके चेहरे पर ही दिखता है कि जैसे ही बोलेंगे कुछ नफरतिया ही बोलेंगे। इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने FIR करवा दी है। सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इन्होंने कहे थे, हेट स्पीच के अंतर्गत इनके ऊपर FIR कर दी गई है। उधर न्यूज चैनलों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि आतंकवादियों, गुंडे और मवालियों को चैनल पर प्लेटफॉर्म न दें, बोलने की जगह न दें। हालांकि इस पूरी एडवाइजरी में किसी भी चैनल का नाम सरकार ने नहीं लिया है। दोस्तों, अगर गुंडों को बुलाना बंद कर दिया जाए और मवालियों को बुलाना बंद कर दिया जाए तो फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से कौन आएगा भाई गोदी मीडिया पर। बहरहाल आज जो बहुत मोदी कर रहे हैं, कल तक वो ये कहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। किसने कहा? अमित मालवेयर ने ये कहा था। अभी से आप अमित मालवेयर का ये अमित मालपुआ सोशल मीडिया पे बेहतरीन नाम इनके मौजूद हैं। 2010 में 23 दिसंबर को इसने ट्वीट किया था, लेकिन इस लवड़े ने भुजियम
लवड़ासुर ने डिलीट कर दिया है ये ट्वीट अपना, क्योंकि लोगों ने इसमें हाथ डालकर इसको पलट दिया था। ये देखिए लिखता है कि सेव दिस ट्वीट, इस ट्वीट को सेव कर लो और जितना भी शोर ट्विटर पे हो रहा है मचा लो, लेकिन नरेंद्र मोदी कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हैशटैग भागो। ये कौन बोल रहा है? अमित मालपुआ बोल रहा है। 2010 में इसने बोला था अमित मालपुए ने। अब यही बंदा बीजेपी आईटी सेल का हेड है जो 2010 में मोदी को गाली बकरा था और कह रहा था ये बन ही नहीं सकता प्रधानमंत्री, आज उन्हीं प्रधानमंत्री के आईटी सेल का सबसे बड़ा मिनिस्टर है। और इसने कहा था कि सेव दिस ट्वीट, इसलिए इनके जितने भी हैं सब ने सेव कर रखा था और इसके मुंह पर ऐसा मारा है। भले ही ससुर ने डिलीट कर दिया है लेकिन सारी दुनिया ने अब ये ट्वीट देख लिया है, क्योंकि जो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है वही सबसे ज्यादा वही देखा जाता है। भैया मोदी जी का ऐसा फर्जी भौकाल है कि अब दुनिया के सामने आ गया है, सबूत खुद भगवान की कृपा से मिल रहा है। भगवान श्री राम ने भारत का माहौल ऐसा बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि देखो ये जो है ये झूठे हैं। जैसे मणिपुर से एक बड़ी घटना सामने आई है। मणिपुर की भीड़ ने, और आप जानते हैं वहां मैतेई समुदाय की भीड़ है, उसने पुलिस स्टेशनों और अदालत पर भी पथराव कर दिया, धावा बोल दिया, हमला कर दिया। अब प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, 10 से ज़्यादा घायल हैं और लगातार ये झड़प चल रही है। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच ऐसी खतरनाक हिंसक झड़प चल रही है जिसमें एक तरफा नुकसान कुकी समुदाय को झेलना पड़ रहा है, लेकिन गोदी मीडिया खामोश है क्योंकि मोदी जी भी खामोश हैं। मोदी सरकार ने G20 में अंधा पैसा खर्च किया, जी हाँ, गरीबों को छुपाने के लिए, और मुगलों के ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार को चमकाने के लिए। लेकिन विदेश में मोदी जी का भौकाल इस तरह से जारी है कि फ्रांस की एक टूरिस्ट फतेहपुर सीकरी जो आई थी घूमने, उसकी मौत हो गई है, वो भी लापरवाही की वजह से। मोदी सरकार को जहां पैसा लगाना चाहिए वहां वो लगा नहीं सकते और लगाते नहीं हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। फतेहपुर सीकरी में घूमने आई फ्रांस की टूरिस्ट की मौत हो गई। दीवाने खास के पास फोटो ले रही थी, रेलिंग टूट कर नीचे गिरी, देर से पहुंची एम्बुलेंस। जी हाँ, अगर फ्रांस में ये ऐसा होता, पहली बात, अगर ये फ्रांस में बेचारी होती तो शायद कभी कोई रेलिंग न टूटती और न कभी ये नीचे गिरती, और अगर ऐसा होता भी तो एम्बुलेंस जल्दी आ जाती। बहरहाल एम्बुलेंस देर की आने की वजह से दो भौकाल देखिए आप विकास का। विकास का भौकाल ये है कि पहला तो रेलिंग टूट गई, तो रेलिंग की रखवाली, उस पूरी इमारत की देखभाल करने वाले कौन थे? सरकारी तो है, तो भाई ये जांच का विषय है कि इतनी कमज़ोर रेलिंग, अगर ये गिरी है तो कोई और भी गिर सकता है। दूसरा गड़बड़ क्या हुआ सामने कि अगर वो गिर भी गई तो एम्बुलेंस इतनी देर से आई, और बात होती है ड्रोन एम्बुलेंस की। मोदी जी बात करते हैं ड्रोन की, बताइए। ये है असली भौकाल जो है फर्जी भौकाल। फिलहाल भगवान श्री राम की कृपा से जो कुछ भी मोदी जी की पार्टी और ये जो बीजेपी पार्टी है आड़भग जो भी कर रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है। ये इतने गिरे हुए हैं आप सोच नहीं सकते। राहुल गांधी को जितना जलील करना चाहते हैं उल्टा ईश्वर की कृपा से वही जलील हो जाते हैं। कैसे? राहुल गांधी ISBT पहुंचे आनंद विहार और वहां कुलियों के पास जाकर बैठ गए। अचानक से कुली भी हैरान कि हमारे बीच ये आदमी कौन आ गया, और इसके बाद कुली लोगों की भीड़ लग गई और कुछ ऑटो वाले भी आ गए। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद उनका दर्द समझने के लिए सोचा भाई बोझ उठाना कैसा लगता है। तो ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी ने अपने वहां बैठे हुए कुली साथियों से कहा कि भैया मैं सामान उठाना चाहता हूँ, बोझ उठाना चाहता हूँ। तो उनको बिल्ला लगाया गया, उनको कुली की वर्दी पहनाई गई, और इसके बाद जो है उन्होंने एक पैसेंजर का सामान भी उठाया और अपने सर पर रखा। बस इसके बाद वो राहुल गांधी कुली बन गए। अब मोदी जी के पेट में दर्द हो गया, अरे ये राहुल गांधी ने तो अब बोझ भी उठा लिया, ये मैं नहीं कर सकता, अब मैं क्या बनूं। भाजपा के सीनों में यही दर्द हुआ कि अब हमारा वाला क्या बनेगा। इस वजह से उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू इसलिए लिखना शुरू कर दिया, आपकी स्क्रीन पर इस फोटो पर बवाल हो गया, देख लीजिए।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर दिग्गज गौरव भाटिया लिखते हैं कि कांग्रेस कुली सर्विस। लो आज फिर पप्पू ने अपनी पप्पूगिरी दिखा दी। व्हील वाला बैग सिर पर लेकर सिर्फ राहुल गांधी ही चल सकते हैं। कुली तो ईमानदार होते हैं, यह तो भ्रष्टाचारी बेल वाला है। राहुल की मूर्खता को बोझ उठाते उठाते कांग्रेस थकती नहीं है। अभी 30 सेकंड में आपके सामने साबित होने वाला है कि यह ट्वीट करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता कितना बड़ा मूर्ख है। कैसे? आइए, इसने कहा कि व्हील वाला कोई बैग नहीं उठाता कुली, तो देखिए अब किसी तोतले ने जो लिखना था लिख दिया, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यह देखिए। आप भी कभी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाएंगे तो कुली जो होते हैं वो व्हील वाला बैग उठाते ही हैं, क्योंकि हर जगह वो सीढ़ियों पर, समझ रहे हैं, गड्ढों में वो व्हील वाला बैग लेकर नहीं जा सकते, उसको नहीं डगरा सकते, उसे नहीं घसीट सकते, तो सर पर रखते हैं। ये तमाम तस्वीर भाटिया साहब अपनी आंखों से देख लीजिएगा, जबान तोतली जबान के साथ साथ अपनी आंख का भी इलाज कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से गरीबों का मजाक उड़ाना सरासर घटियापन है। लेकिन दोस्तों मैं तो बात भी बोल रहा हूं, ये जो प्रोपेगेंडा चलाया इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ, ये बैकफायर हो गया, उल्टा इन्हीं पर भारी पड़ गया। ऐसा भारी पड़ गया कि जो कुली हैं, कुली भाइयों ने ही भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दिया, जलील कर दिया कि ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों भले ही ये स्टंट हो राहुल गांधी का, लेकिन इस स्टंट को कामयाबी देने वाला यही बीजेपी पार्टी है। सुनिए कुलियों का गुस्सा। मतलब वो आए थे तुम ये बताओ पहले ना, इस बात से नाराज थे? नाराज है, बिल्कुल नाराज है, सारे लोग नाराज है, सारे लोग नाराज है। कुलियों का अपमान हुआ है, हमारी मजाक उड़ाएंगे हमारे बारे में। तो राहुल जी का क्या है, वो मिलने आ गए, मजदूर मिलने आ गए, 20 केजी वजन का सूटकेस, तो छोटा सा सूटकेस है, जब आप उठा रखे हमें भी पता नहीं था। जी आप एक बात बताइए, कभी पैसेंजर खाली बैग को उठवाता है? पुलिस से उठवाया था क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। नहीं तो वो पैसे अगर आप, और जबकि मेरे पास कैमरे लगे हुए हैं, हमने उस पुलिस से वो सामान ले आता था, आप ये दीजिए, राहुल जी उठाएंगे उसको, और उसको कह रहे खाली था, आप कैमरे देखिए चेक करिए, और फिर कह रहे हैं कि वो तो पहिए वाला बैग था, उसको तो खींच के भी ले रखते थे। अरे वो खींचना थोड़ी था, वो तो कुली के रूप में उनको दिखाना था। हम कुली के रूप में हमने रिक्वेस्ट किया था, तो कुलियों को हम आपको कुली के रूप में देखना चाहते हैं, इस वजह से हमने वर्दी भी पहनाई उनको, बिल्ला भी बांधा था, भी अपना बांधा था, सूटकेस भी रखवाया। तो वो तो ये भी कह सकते थे बिल्ला भी नकली था, वर्दी भी नकली थे, वो तो कुछ भी बोल देंगे इसका मतलब। यही बिल्ला था ना, यही बिल्ला था, 420 है, कुली को 420 बना दिया, कुली को ही 420 बना दिया। बताओ मजदूर कोई आदमी, मजदूर आदमी की सुनता तो उस बदला ने कुछ खाया कि नहीं? आप देखो कुछ नहीं खाया, आज तो खेसी पर गया हमारा, आज तो कोई भी नहीं किया। 756 है, उसको बोल रहे हैं 420 है, कुली 420 होते हैं। पैसेंजरों का इतना सहायता करते हैं, पैसेंजरों को गाड़ियों की सहायता तो इंक्वायरी से ज्यादा तो हम बताते हैं पैसेंजरों को, पैसेंजरों को कौन सी गाड़ी कहाँ से जाएगी, और उसके बारे में बोल रहे हैं कि 420 बिल्ला पहन लिया और पहिए वाला बैग तक खींच के ले जाते, ये कौन सी, क्यों ऐसा जवाब, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम मजदूर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हम मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आप खुश हैं राहुल गांधी से मिलकर? राहुल गांधी से तो खुश हैं, लेकिन वो यहाँ राजनीति करने आए नहीं थे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अरे भाई जूता पड़ गया बीजेपी पार्टी को, कुलियों ने जबरदस्त तरीके से और जलील करके ढक डाला। उधर अगर कांग्रेस की बात हो रही है तो कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर। दोस्तों कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में जुड़ने के बाद ये सब ने मिलकर 14 जर्नलिस्ट का बायकॉट किया। तो बड़े बड़े जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब इनको इंटरव्यू नहीं दे रहे, इनके डिबेट में जा ही नहीं रहे, जिससे इन गोदी मीडिया की TRP गिरने लगी, पूरी तरह से, बुरी तरह से नीचे गिर गई। अब इससे क्या हुआ, कांग्रेस के जो चुच्चे मुच्चे नेता हैं उनको मौका मिलने लगा, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर सब बड़ों को तो नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस सपोर्टर लिखकर बुलाने लगे। अब कांग्रेस के छोटे मोटे या दूसरी पार्टी के छोटे मोटे नेताओं ने सोचा, कार्यकर्ताओं ने, कि अरे हमारे फलाने नहीं जा रहे तो हम क्यों ना जाएं, हमें कम से कम मौका तो मिल रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कांग्रेस सपोर्टर लिखा गया,
किसको आप देखिए, ये कांग्रेस की हैं समर्थक, लिखा कांग्रेस समर्थक, और चित्रा त्रिपाठी ने इस कांग्रेस की समर्थक को बुलाया। नाम जो है इनका रोशनी जायसवाल है। मेरे दोस्तों, रोशनी जायसवाल ने सोचा था कि ये मजाक है, कांग्रेस ने जो और दूसरे इंडिया अलायंस ने सबने मिलकर जो ऐलान किया है कि हम गोदी मीडिया का बायकॉट करेंगे, ये इतनी बेवकूफ़ लड़की कि इसने सोचा कि कभी मौका तो मिलता नहीं तो चलो यहाँ चल लो और होगा कुछ नहीं, कांग्रेस में कौन ध्यान दे रहा है। लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये देखिए इनको नोटिस भेज दिया गया, जवाबदेही का इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से नोटिस दे दिया गया कि 48 घंटे के अंदर बताओ कि जब हमने गोदी मीडिया के एंकरों का बायकॉट करने को कहा तो आपने गोदी मीडिया के शो पर जाना क्यों ज़रूरी समझा, आपकी ये हरकत पार्टी से इंडिया अलायंस से गद्दारी नहीं है और आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। बात करें इस्लामोफोबिया की तो इस्लामोफोबिया सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़तरा नहीं है, इस्लामोफोबिया की वजह से हमारे हिंदुओं के लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब मुसलमान की गलती की वजह से, क्राइम की वजह से किसी हिंदू बेटी का कत्ल होता है तो बड़े बड़े संगठन नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी जबान निकाल कर चीखना शुरू कर देते हैं, लाल आँख बाहर निकाल कर गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी औकात तब सामने आती है जब कोई उन्हीं में से कोई हिंदू व्यक्ति हिंदू महिला का ही बलात्कार कर देता है या कांड कर देता है, कत्ल कर देता है। वो तब अपनी जबान को, जो लब्बी जबान जो चल रही होती है मुसलमानों के खिलाफ, उस जबान के ऊपर जो है गधे का गू लपेट कर वापस अपने हलक के अंदर डाल लेते हैं। अब देखिए ऐसी ही एक लखनऊ की खबर आ रही है, पूरी तरह से इस पर शांति है। निष्ठा त्रिपाठी 23 साल की जो बीकॉम कर रही थी, उसके फ्रेंड ने आदित्य पाठक ने गोली मार दी। जो भारत तेजी से विकास कर रहा है, हथियार बना रहा है, तो उसका नतीजा ये भी है कि जो पाठक, आदित्य पाठक के पास हथियार मिला वो भारतीय था, कंट्री मेड था। और आपको बता दूं कि लेट नाइट पार्टी थी, तो लखनऊ में लेट नाइट पार्टी के दौरान उसने अपनी फ्रेंड निष्ठा त्रिपाठी को बुलाया और शराब दारू पी जा रही थी घर के अंदर। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि आदित्य पाठक ने गोली चला दी, जिससे उसकी जो निष्ठा त्रिपाठी थी फ्रेंड, उनकी मौत हो गई। अब हिंदू संगठन पूरी तरह से खामोश हैं। सवाल यह है कि क्यों खामोश है भाई, आदित्य पाठक को तुमने बंदूक दी थी क्या, हैं? क्योंकि आदित्य पाठक भी रैलियों में जाता होगा, हिंदू राष्ट्र वाली रैलियों में, तो उसमें ये भी चमकाता होगा हथियार, अवैध हथियार, और अवैध हथियार हिंदू संगठन ही बांटते फिरते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हिंदू संगठनों का अपनी बेटियों के मारे जाने पर, खासकर अपने ही लोगों के द्वारा खामोश रहना, ये इस्लामोफोबिया ही दिखा रहा है। बहरहाल नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस देश के हाल पर आप अपनी राय ज़रूर लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।